कोरोना क्राइसिस के चलते बड़ी बड़ी दवाइयां काम नहीं कर पा रही, लेकिन छोटे छोटे नुस्खे, हल्दी का दूध है, गर्म पानी है, अदरक वाली चाय है, ये इफेक्टिव नजर आ रहे हैं और इनसे राहत भी मिल रही है। मेरे 20-21 साल के पूजन अनुष्ठान के मंत्रोच्चार के अनुभव के आधार पर मैंने भी इस समय में एक विशेष अध्ययन किया और उससे मैंने देखा कि बहुत कठिनाई के समय हमारे लिए इंस्टेंट बहुत ज्यादा इफेक्टिव क्या हो सकता है, जो बहुत इफेक्ट एकदम से इफेक्टिव ऐसा क्या हो सकता है। हम लोग समय समय पर एस्ट्रोलॉजर की सलाह लेते हैं, मां दशा की कभी चिंता हो जाती है, कभी कोई योग दिज्ञा जन्म कुंडली में उसकी चिंता हम लोग करते हैं, वो बात ठीक है, लेकिन इंस्टेंट जब जिंदगी थम सी जाती है, रुक जाती है, लगता है कि अब क्या करेंगे, हमारे पास एक्सपेंसेस डामाडोल होने लगते हैं, कभी जिंदगी में ऐसी आपाधा भी बच जाती है, समझ में नहीं आता है कि क्या करें, बहुत सारी सलाहों के बाद भी कुछ हो नहीं पा रहा होता है। ऐसे में मैंने ये 20-22 साल का मेरा निचोड़ निकाला है, जितने लोगों के साथ में मैंने काम किया है उनको इस फॉर्मेट के आधार पे मैंने मंत्रोच्चार दिए हैं और वो बहुत इफेक्टिव रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको 1 से 12 नंबर तक की राशियों के बीज मंत्र का उच्चारण कर देता हूं, जिससे आपको ये ध्यान रहे कि आज हम जिस फॉर्मेट की बात करने वाले हैं, 1, 4, 7, 10 इस फॉर्मेट की बात करने वाले हैं। जन्म कुंडलियों में जो 256,000 के आसपास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं, उनका बेसिक आधार यही रहता है, 1, 4, 7, 10, 2, 5, 8, 11 और 3, 6, 9, 12। आज मैं आपको इस फॉर्मेट में 1, 4, 7, 10 में जाने के पहले आज मैं आपको सबसे पहले 1 से 12 नंबर तक की राशियों के या लग्न जो माने आप उनके बीज मंत्र का उच्चारण बता देता हूं, जिससे आपको समझ में आए कि हम किस तरह से इस विषय में आगे बढ़ने वाले हैं। ये बहुत सरल है, बहुत इंस्टेंट है और रोजाना करने के लिए, डेली करने के लिए तो बहुत इजी है। पहले नंबर का मंत्र है, एक नंबर की राशि का या एक नंबर के लग्न का, पहले नंबर का है ओम भूर्भुवस्वः ओम भौम भौमाय नमः, ओम भूर्भुवस्वः ओम भौम भौमाय नमः। दो नंबर ओम भूर्भुवस्वः ओम शुम शुक्राय नमः, ओम भूर्भुवस्वः ओम शुम शुक्राय नमः। तीन नंबर का ओम भूर्भुवस्वः ओम भूम बुधाय नमः, ओम भूर्भुवस्वः ओम भूम बुधाय नमः। चौथे नंबर पे ओम भूर्भुवस्वः ओम सोम सोमाय नमः, ओम भूर्भुवस्वः ओम सोम सोमाय नमः। पांचवे नंबर पे ये सिंह राशि ओम भूर्भुवस्वः ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम भूर्भुवस्वः ओम घृणी सूर्याय नमः। छठे नंबर पे वही है ओम भूर्भुवस्वः ओम भूम बुधाय नमः। सातवें नंबर पे फिर वही है ओम भूर्भुवस्वः ओम शुम शुक्राय नमः। आठवें नंबर पे फिर वही मंगल है ओम भूर्भुवस्वः ओम भौम भौमाय नमः। और नवे नंबर पे है ओम भूर्भुवस्वः ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम भूर्भुवस्वः ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। दसवें नंबर पे ओम भूर्भुवस्वः ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम भूर्भुवस्वः ओम शम शनिश्चराय नमः। ग्यारहवें नंबर पे है ओम भूर्भुवस्वः ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम भूर्भुवस्वः ओम शम शनिश्चराय नमः। और बारहवें नंबर की राशि में फिर वही ओम भूर्भुवस्वः ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस प्रकार से ये 12 के 12 बीज मंत्र हैं। अब हम बात कर लेते हैं आज पहले फॉर्मेट के सेटिंग की, 1, 4, 7, 10। 1, 4, 7, 10 में चार प्रकार के सेटिंग बनेंगे। यदि एक नंबर का अंक लग्न में है, 4, 7, 10 ये सब केंद्र में होंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली में एक नंबर का अंक सबसे ऊपर लिखा है, जिसको लग्न कहते हैं, तो आपके लिए तीन मंत्र मोस्ट सूटेबल हैं। तीन मंत्र आपके लिए मोस्ट सूटेबल हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग इट, पहले नंबर का मंगल का, दूसरे नंबर का सूर्य का और तीसरे नंबर का गुरु का यानी बृहस्पति का। मंगल ओम भौम भौमाय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। ये तीन मंत्र मोस्ट सुटेबल है। अब इसी 1, 4, 7, 10 में आपके कॉम्बिनेशन में यदि कर्क लग्न है, तो कर्क लग्न में पहला मंत्र ओम भूर्भुवस्व ओम सोम सोमाय नमः, दूसरे नंबर पे ओम भूर्भुवस्व ओम होम होमाय नमः और तीसरे नंबर पे ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। ये इस दूसरे नंबर की सेटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंस्टेंट रिजल्ट देने वाला है।
इररिस्पेक्टिव ऑफ चंद्रमा कहीं भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी राशि कहीं भी हो, तीसरे नंबर की सेटिंग जिसमें सात का अंक है तुला लग्न है शुक्र का, उसके लिए है ओम भूर्भुवस्व ओम शुम शुक्राय नमः। उसके बाद दूसरे नंबर पे ओम भूर्भुवस्व ओम शम शनेश्वराय नमः, तीसरे नंबर पे ओम भूर्भुवस्व ओम भूम बुधाय नमः। ये तीन मंत्र शुक्र का, शनि का और बुध का। अब चौथे नंबर की सेटिंग इसी फॉर्मेट में जिसमें एक चार सात दस में सब अंदर आ रहे हैं, दस नंबर टॉप में यानी मकर लग्न है, उसमें ओम भूर्भुवस्व ओम शम शनेश्वराय नमः, ओम भूर्भुवस्व ओम शम शनेश्वराय नमः, दूसरे नंबर पे ओम भूर्भुवस्व ओम शुम शुक्राय नमः, और तीसरे नंबर पे ओम भूर्भुवस्व ओम बुम बुधाय नमः। रिपीटेशन के लिए मैंने पहले ही आपको एक से बारह तक मंत्र बोले हुए हैं, ये इनके बीज मंत्र हैं। इन चार फॉर्मेट्स में एक चार सात दस जब भी आपको अपने चार चैम्बर के अंदर ये वाले सेटिंग दिखती है और इस सेटिंग से आपने इन मंत्रों का उच्चारण 11-11 बार प्रतिदिन, इससे सरल कुछ नहीं हो सकता है, 11-11 बार हर एक मंत्र का बीज मंत्र का उच्चारण 11-11 बार प्रतिदिन कर लिया, और इनके साथ में या आप ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं 11 बार आगे पीछे, इस आरंभ करें तो ओम नमः शिवाय और अंत करें तो ओम नमः शिवाय, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह से करने में ये इंस्टेंट इफेक्टिव है, जिससे आप इंस्टेंटली उम्मीद करते हैं कि कोई रत्न धारण कर देंगे कल से काम करेगा, इसमें चंद्रमा भी नहीं देखना है, ये इंस्टेंटली लग्न नवम और पंचम स्थान का, ये इस तरह का इसका सेटिंग, जो ऊर्जा आने के स्थान है उस तरह की सेटिंग में ये फॉर्मेशन है 1-4-7-10 वाली जन्म कुंडली के बारे में। नेक्स्ट टाइम वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन 2-5-8-11 एंड द लास्ट वन 3-6-9-12 सेटिंग। थैंक यू वेरी मच। Stay blessed.